गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो आज एक क्वेश्चन करते हैं, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं जिसको हम नाम देते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है पता है क्या? आइडेंटिटी क्या होता है आप लोगों को? आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कोई फॉर्मूला आपके पास आया, ए प्लस बी द होल स्क्वायर आपके पास, इसको आप लिखते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी लिखते हो, राइट? तो इसका मतलब क्या होता है? इसको आइडेंटिटी बोलते हैं या इसको हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं? तो आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि आप ए और बी की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, ए और बी की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, दिस विल गोइंग टू सेटिस्फाई। मतलब ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई भी रियल वैल्यू ले लो, बी बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल वैल्यू ले लो, सबके लिए दिस इक्वेशन विल गोइंग टू सेटिस्फाई या दिस आइडेंटिटी विल सेटिस्फाई। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी। मतलब वेरिएबल के कुछ भी वैल्यू ले लोगे आप, डजंट मैटर, LHS इज इक्वल टू RHS आपके पास आने वाला। तो जितने भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे a माइनस बी द होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी द होल स्क्वायर भी कभी आप मुझसे ये नहीं पूछोगे कि सर a क्या है b क्या है, a और b कुछ भी हो डजंट मैटर, दिस विल गोइंग टू सेटिस्फाई, राइट? तो आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे तो वो सेटिस्फाई करने वाली है। जैसे कि ये हो गई एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये याद है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अब ये जो थीटा है, इसके अंदर वेरिएबल क्या है? थीटा। तो थीटा आप कुछ भी पुट कर दो, डजंट मैटर, LHS इक्वल टू RHS आने वाला है। यहाँ पे ए और बी की जो वैल्यू आप पॉजिटिव नेगेटिव जीरो जो पुट करना है वो पुट कर दो, हमेशा सेटिस्फाई। तो दिस ऑल, जैसे इसको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी या एल्जेब्रिक फॉर्मूलास, है ना? तो आइडेंटिटी का मतलब समझ में आया कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। अब मैं आता हूं कि कभी अगर आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? इसमें कितनी x की वैल्यू सेटिस्फाई करती है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाई है, कितनी होती है? दो वैल्यूज, राइट? दो से ज्यादा वैल्यूज आप पुट कर सकते हो क्या? जैसे मैंने बोला कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, आप यहां पे दो ही वैल्यू पुट कर सकते हो, या तो x इक्वल टू 2 पुट करो या x इक्वल टू 3 पुट करो, इन दो से ज्यादा वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो, राइट? बट कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करते हुए रहो, हमेशा ये जीरो के बराबर होता है। जैसे इसमें तो टू और थ्री के अलावा कोई नंबर नहीं आएगा, बट कभी कभी ऐसी इक्वेशन आ जाती है कि ये क्या होती है, मोर देन टू वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। मोर देन टू वैल्यूज सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब आइडियली तो आप देखोगे ना कि इसका खुद का जो ग्राफ ही होता है, अगर मैं सिर्फ इसका ग्राफ बनाऊं तो ये पैराबोला बनता है, राइट? पैराबोला बनता है, पैराबोला दो से ज्यादा बार तो कट कर ही नहीं सकता है, बट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मोर देन टू वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो क्या होगा? देन इन दैट केस इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। इन दिस केस मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आएगा, दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी। अब जैसे एक एग्जांपल अपन लेते हैं, यहां पे वापस आऊंगा उस पेज में, बट पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। x माइनस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस सी बी माइनस सी प्लस x माइनस सी ए माइनस सी प्लस x माइनस ए
डिवाइडेड बाय बी माइनस ए और बी माइनस सी इज इक्वल टू वन। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें किसी को डाउट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसमें डिग्री क्या आने वाली है बेटा, डिग्री टू आने वाली है, टू से ज्यादा इसमें नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप सबका एलसीएम लोगे तो यहाँ तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए है, और जब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स एक्स मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, डिग्री टू बनेगी। तो डिग्री टू से ज्यादा नहीं आएगी, मतलब इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है कि डिग्री टू की इक्वेशन बन रही, डिग्री टू की इक्वेशन बनेगी। कैसे बनाओगे आप, तो बनाने के लिए बेटा आपको एलसीएम लेना पड़ेगा ना, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सिंपलीफाई करोगे तो यू विल गेट द हाईएस्ट पावर इज एक्स स्क्वायर, देन एक्स की टर्म आएगी और कॉन्स्टेंट टर्म आएगी। तो डिग्री टू की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। बट अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देखो, इफ आई पुट एक्स इज इक्वल टू ए, क्या पुट करता हूँ, x इक्वल टू ए पुट करता हूं, तो मुझे ये बताओ कि ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट, जीरो हो जाएगा प्लस, वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट, ए माइनस बी, ए माइनस सी डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा प्लस, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा बेटा, इफ आई एम पुटिंग एक्स इक्वल टू ए व्हाट आई विल गेट इज जीरो। समझ में आ रहा है भाई साहब, ये जीरो हो जाएगा तो ओवरऑल पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इक्वल टू वन। अब आप देखोगे कि ये ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, कैन आई से दैट आई एम गेटिंग वन इक्वल टू वन, एंड इफ आई एम गेटिंग वन इक्वल टू वन व्हाट डज दिस मीन, इसका मीनिंग क्या है कि अगर 1 इक्वल टू 1 आ गया x इक्वल टू a पुट करने के बाद, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, दैट x इक्वल टू a सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, इट मींस इट्स अ रूट, x इक्वल टू a सेटिस्फाई द इक्वेशन, इट मींस इट इज अ रूट, करेक्ट। x इक्वल टू b पुट करके देखो, x इक्वल टू b पुट करके देखते हैं भाई, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये भी b जीरो, और ये कितना आएगा भाई, बी माइनस सी, बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस सी करके वन आ जाएगा। इस बार मैंने डिटेल में नहीं लिखा, मैंने डायरेक्टली लिख लिया, वन इक्वल टू वन आ गया, इसका मतलब ये भी रूट आ गया, राइट। अब ऐसा करो, आप x इक्वल टू सी पुट करके देख लो, x इक्वल टू सी पुट करोगे तो क्या आएगा यहां पे, सी माइनस ए, सी माइनस बी ए माइनस सी, ये वाला पार्ट आ जाएगा आपके पास जीरो, ये वाला पार्ट आ जाएगा जीरो, ये आ जाएगा आपके पास, क्लियर। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि ये भी कैंसिल होके वन दे देगा, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, अरे भाई साहब ये c माइनस ए और a माइनस सी कैंसिल होगा तो एक माइनस आएगा, फिर ये c माइनस बी और b माइनस सी कैंसिल होगा तो एक और माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो वन इक्वल टू वन ही आ जाएगा, क्लियर है। तो भाई मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या, ये भी रूट है। तो ओवरऑल क्वाड्रेटिक के दो से ज्यादा रूट नहीं आने चाहिए, बट तीन वैल्यू सेटिस्फाई कर गई है, तो दैट्स व्हाई यू कैन इजिली सी दैट, यू कैन इजिली कमेंट दैट दिस इज एन आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी है तो अगर वो एक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा था तो आप बोलोगे एक्स के आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे, यू कैन पुट एनी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, दिस विल गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो यूर आंसर वो बोलेगा कि फाइंड रूट, आपका क्वेश्चन होगा फाइंड एक्स, तो आप आंसर क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू r, भले ही ये क्वाड्रेटिक बन रही है बट x की वैल्यू क्या आ रही है, ऑल द रियल वैल्यूज, आप कुछ भी वन पुट करो, टू पुट करो, जीरो पुट करो, जो मर्जी पुट करना है कर दो, आपका आंसर जीरो आने वाला है।
मतलब वन इक्वल टू वन आने वाला है, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी. ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कहीं कहीं कि आपको एक्स की दो से ज्यादा वैल्यू जहां सेटिस्फाई कर गई मतलब वो आइडेंटिटी बन गया. क्लियर? तो मैं वापस वही पेज पे आ रहा हूँ कि आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया, मोर देन टू वैल्यू सेटिस्फाई इक्वेशन देन इट इज एन आइडेंटिटी. और इस केस में आइडेंटिटी कब होती है, वो इस केस में आइडेंटिटी जब होती है जब ए भी जीरो हो जाए. सॉरी, अगर मान लो ए भी जीरो हो गया, बी भी जीरो हो गया और सी भी जीरो हो गया, मतलब अगर कोएफिशिएंट सारे जीरो हो गए. देखना, वैसे तो जैसे ही आपने इक्वल टू जीरो पुट किया वो क्वाड्रेटिक नहीं बचा. मुझे क्वाड्रेटिक से अभी मतलब नहीं है, मुझे उसको आइडेंटिटी बनाना है अभी, है ना. हे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट अगर ए जीरो होता है तो उसको क्वाड्रेटिक नहीं बोलते, हम लीनियर बन जाता है. तो बट अगर ए भी जीरो हो गया, बी भी जीरो हो गया, सी भी जीरो हो गया, तो एक्स की वैल्यू आपकी मर्जी, जो आपको पुट करना है कर दो. आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, आपका रिजल्ट जीरो इक्वल टू जीरो ही आने वाला है, क्योंकि ये भी जीरो हो गया तो ये पूरा पार्ट जीरो हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स. ये भी जीरो है तो ये पूरा पार्ट जीरो हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, और ये तो खुद जीरो ही है. तो अगर ये तीनों जीरो हो गए साइमल्टेनियसली तो दिस विल वर्क एज एन आइडेंटिटी. ठीक है, तो कहीं कहीं आपको ये कंडीशन की जरूरत पड़ेगी कि भाई ये कि अगर एक्स की एक से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है और वो इक्वेशन है, क्या है, इक्वेशन है, दो से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है तो आइडेंटिटी बन रही है और आइडेंटिटी की कंडीशन आपके पास ही आ रही है. ठीक है, ये कभी भी लाइफ टाइम कभी भी ये कभी भी आइडेंटिटी नहीं बन सकती, ये सिर्फ इक्वेशन ही रहेगी. दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी. ठीक है, बट ये क्वाड्रेटिक, ये आइडेंटिटी कब बनेगी, आइडेंटिटी जब बनेगी जब ए बी सी तीनों को क्या कर देंगे, हम साइमल्टेनियसली जीरो कर देंगे. फंडा समझ में आ गया बेटा, इसको नोट कर लो, फिर मैं उस पेज पे ले जाऊंगा, वो नोट कर लेना, फिर एक दो क्वेश्चन करा दूंगा आपको. हाँ, आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आना चाहिए बेटा. तो एक्सप्रेशन में तो इक्वल टू का साइन ही नहीं होता है. ठीक है, लिख लिया ये, अब ये एग्जाम्पल नोट कर लो बेटा कि फाइंड एक्स, यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, ओवर ऑल योर आंसर वुड बी एक्स बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यू.
इसको नोट कर लो बेटा, मैंने म्यूट पे लगा दिया था इसीलिए आप लोग नोट कर लो। यस करेक्ट देवश्री, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी इफ इट इज हैविंग मोर देन टू रूट्स। 3 डिग्री के तो 3 रूट रहेंगे, उसको 3 से ज्यादा होना पड़ेगा। एक्स इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय सी प्लस ए सी माइनस बी सॉरी ए माइनस बी प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस ए एक्स प्लस सी b माइनस ए बी प्लस सी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी सी प्लस ए सी प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। फाइंड एक्स, एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, ए इंटू एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय सी प्लस ए माइनस बी प्लस b इंटू एक्स माइनस ए एक्स प्लस सी बी माइनस ए बी प्लस सी प्लस या माइनस c इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय सी प्लस ए सी प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। फाइंड एक्स। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, पहली वाली इक्वेशन की डिग्री क्या है। डिग्री 3 की है, इसमें तो सबको दिख रहा है, नजर आ रहा है भाई, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। एक्स एक्स और एक्स, 3x मिलके एक्स क्यूब बनेंगे, डिग्री 3 की इक्वेशन। क्या इसमें एक्स इक्वल टू ए सेटिस्फाई करता है, एक्स इक्वल टू ए पुट करके देख लो क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या। देखो LHS हो गया ए, अगर एक्स की जगह ए पुट किया तो, ए पुट किया तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया, तो ये पूरा जीरो बना दिया, ये जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो बना दिया। तो एक्स इक्वल टू ए के लिए ये पार्ट जीरो है, ये पार्ट जीरो है, ये पार्ट ए है, और यहां पे जब आप पुट करोगे तो ए माइनस बी कैंसिल, सी प्लस ए प्लस सी कैंसिल, ये बच जाएगा सिर्फ ए, तो ए इज इक्वल टू ए आ जाएगा। इट मीन्स वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इट इज सेटिस्फाइंग, परफेक्ट। क्या एक्स इक्वल टू बी सेटिस्फाइंग,
क्या x इक्वल टू सी सेटिस्फाई, क्या ये तीनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है? सेम लॉजिक आप देखोगे, यस सेटिस्फाइंग, यस सेटिस्फाइंग। अब मैं क्या देख के इसको बोल दूं कि ये आइडेंटिटी है? क्या मैं ये तीनों चीज देख के बोल सकता हूं इसको आइडेंटिटी है? नहीं, क्यों नहीं बोल सकता हूं? क्योंकि डिग्री थ्री है, तीन तो रूट इसके आने ही आने भाई। चौथा प्रूफ कर दो तो मैं मानू आइडेंटिटी भाई। डिग्री थ्री के तीन रूट तो ऐसे आने ही आने, अगर वो आइडेंटिटी नहीं है तो भी तो तीन रूट आते ही हैं डिग्री थ्री के। तो आप ये तीन वैल्यू देख के कैसे बोल सकते हो कि ये आइडेंटिटी है? ये क्वाड्रेटिक में तीन निकाल के बोल सकते हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक के दो से ज्यादा रूट नहीं होते। आया गया समझ में? अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन जो आपने एकदम परफेक्टली करी है, सही बोल रहे हो आप, x इक्वल टू जीरो पुट करके देखो सर, x इक्वल टू जीरो भी आंसर आ रहा है ना, डायरेक्टली आ रहा है। कैसे आ रहा है? ये जीरो सब जीरो, ये जीरो सब जीरो, ये जीरो सब जीरो, ये जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो। तो भाई चार आ गए, दैट्स वाई अब आप आंसर क्या बोलोगे कि x की क्या वैल्यू आनी चाहिए? x बिलोंग्स टू, आया क्या समझ में? ये डिग्री थ्री था इसीलिए आपको चार निकालनी पड़ी। अगर डिग्री टू है तो तीन निकालो और उसको आइडेंटिटी बोल दो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? लास्ट वाला कर लोगे अब खुद? तो लास्ट वाला भी आप देखोगे तो वो आइडेंटिटी आएगी और इसका भी आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू r आएगा। इसमें सिर्फ आप x इक्वल टू a देख लेना, x इक्वल टू b देख लेना, x इक्वल टू c देख, बस तीन हो गया, मतलब काम खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जिसमें आपको विजिबली समझ में आ जाए कि कैसे पुट करके हम लोग उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो चलो, आपने क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा, मैंने पहले ही टाइम दिया था, तो मैं अब आगे बढ़ता हूं। एक अलग टाइप का क्वेश्चन निकालता हूं, फाइंड के एफ के स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फाइंड के इफ दिस इफ इक्वेशन सेटिस्फाई मोर देन टू वैल्यूज ऑफ एक्स। आपको के की वैल्यू निकालनी है, और कंडीशन ये है कि ये जो इक्वेशन है ये दो से ज्यादा x की वैल्यू को सेटिस्फाई करती है। ये जो इक्वेशन है ये क्या करती है? दो से ज्यादा वैल्यू ऑफ x को सेटिस्फाई करती है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया हो आपको। तो भाई इसको होना पड़ेगा आइडेंटिटी, और इसको अगर आइडेंटिटी होना पड़ेगा तो ये और ये तीनों को जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि के स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स भी जीरो हो जाए, मतलब के की वो वैल्यू पिक करूं जिसके लिए ये भी जीरो हो जाए और उसके लिए ये भी, ये तीनों k की वो वैल्यू पिक करूंगा जिसके लिए तीनों जीरो हो जाए। अगर ये तीनों जीरो आ गए तो ये आइडेंटिटी बनेगी, x की वैल्यू पे कोई डिपेंडेंसी होगी ही नहीं इसमें, ठीक है? अब आप सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? k माइनस टू,
ये बोलेगा यार आप ऐसा करना, मेरे को जीरो करने के लिए के की वैल्यू 2 ले लेना या 3 ले लेना। ये बोलेगा मेरे को जीरो करने के लिए के की वैल्यू या तो 2 ले लेना या 1 ले लेना, और ये बोलेगा कि के की वैल्यू ये बोलेगा कि मुझे जीरो करने के लिए के की वैल्यू -5 या 2 ले लेना। तो अब मुझे तीनों को साइमल्टेनियसली जीरो करना है, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा बेटा, कॉमन वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो k की कौन सी वैल्यू उठाऊंगा भाई, 2 उठाऊंगा, क्योंकि 2 तीनों में प्रेजेंट है। तो जैसे ही मैं k इक्वल टू 2 पुट करता हूं, तीनों साइमल्टेनियसली जीरो हो जाते हैं, और उसके बाद x की वैल्यू कुछ भी पुट करूंगा, ये मुझे आइडेंटिटी की तरह बिहेव कर लेगी। आया क्या कॉन्सेप्ट समझ में? बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई भारी कॉन्सेप्ट नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि भाई आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया, और क्वाड्रेटिक के सेंस में या 3 डिग्री के सेंस में उसको हम कैसे बात करेंगे उसके बारे में। अगर कोई भी ऐसी वैल्यू कॉमन नहीं आती है, इसका मतलब के की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाएगी। जैसे यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, तीनों में 2 प्रेजेंट है। अगर आपको कोई भी के की ऐसी वैल्यू नहीं मिलती जो तीनों के अंदर कॉमन है, इसका मतलब के की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है जो इसको आइडेंटिटी बनाए, है ना। लॉजिकली इंटरप्रिटेशन वही होगा। ठीक है प्रकृत, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और छोटी सी चीज आती है, मान लो आपको दे दिया है ए बी सी रियल वैल्यू, ए बी सी कोई भी रियल वैल्यू है, और इक्वेशन ये दे दिए और बोला है कि कमेंट ऑन रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या अब आपको इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में कमेंट करना है? मतलब मैंने यहाँ पे कमेंट करके रख दिया, बट आपको ऑप्शन ऐसे आएंगे जैसे कि रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर रियल, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, ऐसे कुछ भी ऑप्शन आपके पास आ सकते हैं। बट इतने क्वेश्चन में आप अपना क्या इंटरप्रिटेशन लगा सकते हो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसीलिए मैंने जनरल कर दिया है कि कमेंट करो इसके रूट्स पे। देखो यहाँ पे एक चीज देखना, यहां पे चीज देखना, यहां पे ये a माइनस बी जो है ये क्या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बी माइनस सी है, एंड कोई कॉन्स्टेंट टर्म क्या है सी माइनस ए है। अभी मुझे बताओ कि इफ आई एड दिस 3 व्हाट आई विल गेट, अगर इन तीनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, जीरो आ रहा है भाई साहब, समझ में आ रहा है? मतलब क्या है कि सम ऑफ कोएफिशिएंट क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहा है। अब जब सम ऑफ कोएफिशिएंट जीरो आएगा इसका मतलब क्या होगा, कोई बताएगा क्या? मैंने पहले भी क्वेश्चन करते हुए डिस्कस करते हुए बता दिया था मैंने
पर भी आई वॉन्ट के आपको याद हो या नहीं हो, मतलब बताओ कि क्या इंटरप्रिटेशन होगा कि अगर सम ऑफ कोएफिशिएंट आपके पास जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि एक्स इक्वल टू वन इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, एक्स इक्वल टू वन इज रूट, क्योंकि भाई साहब एक्स इक्वल टू वन पुट करोगे इसके अंदर तो वन स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा, एम माइनस बी यहां पे पुट करोगे तो बी माइनस सी, और ये एज इट इज तो वन इसको सेटिस्फाई करता है। आ रहा है क्या समझ में? तो भाई एक्स इक्वल टू वन इसको सेटिस्फाई कर गया, अभी एक्स इक्वल टू वन सेटिस्फाई कर गया तो अब इसके रूट्स के बारे में क्या कमेंट करोगे? सो देयर फोर आप ये कमेंट पक्का 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 ये कर सकते हो कि रूट मस्ट बी रियल। रियल रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे, दे कैन बी इक्वल, हो सकता है एक्स इक्वल टू वन ही दोनों रूट हो सकता है डिस्टिंक्ट भी हो, तो ये कमेंट नहीं कर पाओगे आपके रूट्स सेम है डिस्टिंक्ट है क्या है, बट ये जरूर कमेंट कर दोगे कि रूट्स तो भाई रियल हैं। एक्स इक्वल टू वन बेटा, एक्स इक्वल टू जीरो नहीं, एक्स इक्वल टू वन इज रूट ऑफ द इक्वेशन। तो इसका जनरल केस क्या हो जाएगा, मैं इसका जनरल केस लिख देता हूं यहां पे। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन एक्स इक्वल टू वन इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये उसका जनरल केस हो गया कि अगर सम ऑफ कोएफिशिएंट ए बी और सी तीनों का एडिशन अगर आपके पास जीरो आ रहा है तो एक्स इक्वल टू वन एक रूट आएगा। अच्छा अगर मैं यही क्वेश्चन मान लो आपको थोड़ा सा चेंज करके ये दे देता, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू का मतलब तो पता है ना क्या होता है, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, देन ए माइनस बी एक्स स्क्वायर देन रूट्स के बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हो बताओ? रूट्स के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो? मस्ट बी रेशनल। भाई रेशनल क्यों बोला कि रेशनल है? क्योंकि इरेशनल रूट्स तो अगर ए बी सी मान लो अगर क्यू है मतलब रेशनल नंबर है तो ये कोएफिशिएंट्स ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए भी रेशनल नंबर है, और अगर ये रेशनल नंबर है तो इरेशनल रूट्स तो पेयर में आते हैं। क्या होते हैं इरेशनल रूट्स? तो क्या आते हैं? पेयर में आते हैं, और एक्स इक्वल टू वन तो इसका एक रूट हो गया है, तो जब एक्स इक्वल टू वन एक रूट हो गया तो दूसरा रूट भी तो रेशनल ही होना चाहिए। तो देखो ये इस क्वेश्चन में इसीलिए आपको ना गलती मत करना, रेशनल रियल इसमें मुझे नहीं पता एबीसी रियल है, हो सकता है एबीसी कुछ इरेशनल भी हो, तो एक रूट वन है तो दूसरा रूट हो सकता है इरेशनल आ जाए या रेशनल आ जाए डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एबीसी। बट यहां मैं श्योर हूं कि एबीसी जो भी होगा अगर एक्स इक्वल टू वन एक रूट है तो दूसरा रूट रेशनल ही होगा। आया समझ में? तो ये चीजें हैं जो जो आपने पढ़ा वही है बेटा, बस इसीलिए मैं एंड में बता रहा हूं, मैंने इसको पहले नहीं बता रहा कि आप खुद ही इसको सोचते चले जाओ, आप खुद ही इनको समझते चले जाओ, मेरे को बस लिखना है और आपको खुद को समझना है कि रूट्स रेशनल क्यों होंगे। अब दिमाग लगाओ कि आपस में कनेक्शन बिठाओगे तो अपने आप आपको क्लिक कर जाएगा कि रूट्स रेशनल क्यों होंगे।
छोटी छोटी सी चीजें हैं बट इम्पोर्टेंट है बेटा। तो दिस इज द जनरलाइज्ड केस और ये एग्जांपल्स हैं दोनों इसके, और डिपेंडिंग ऑन द, देखो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, वो वैरायटी मैंने नहीं कराई और कुछ इस टाइप से घुमा के क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम, कहीं ना कहीं रिलेट इन्हीं चीजों से होगा, सोचना पड़ेगा आपको हो सकता है अलग से क्वेश्चन पे डिपेंड होते हुए। चलो बढ़ते हैं आगे। एक थ्योरम होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर वो थ्योरम समझेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब आप जब मैथ्स को एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि इसका अपना बहुत इंपॉर्टेंस है, आगे कैलकुलस में भी आपको इस टाइप की चीजें पढ़ोगे आप। बट यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मान लो कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, ये एक एक्सप्रेशन है, हम एक्सप्रेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब एफ ऑफ वन पॉजिटिव आया, एफ ऑफ टू नेगेटिव आया, ये आपको बोल दिया है इसमें, आपको क्वेश्चन ने ये दे दिया है कि भाई एफ एक्स एक एक्सप्रेशन है जो कि ये है, एफ वन आपके पास पॉजिटिव आएगा, जो भी आएगा नहीं पता हमको, एफ टू जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा, ये आपको बोल रहा है ना, ये इक्वेशन नहीं बेटा, ये एफ एक्स, इसको नाम दिया इस एक्सप्रेशन को। देन कमेंट ऑन द रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इक्वल टू जीरो जो इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स पे को पे आपको कमेंट करना है। कोई थोड़ा भी सोच के मेरे को बता सकता है ये क्या, शायद सोच पाओगे आप लोग, शायद एफ एक्स इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन आएगी, ये तो समझ में आ रहा है कि भाई ये वाली जो है ये तो इक्वेशन बन गई आपके पास, एफ एक्स है आपके पास एक्स स्क्वायर, ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, इसके रूट के बारे में आपको बताना। परफेक्ट रुचिर और वेदांत, वेदांत आप थोड़े से मतलब ठीक पकड़े हो बट थोड़ा सा जो इंटरप्रिटेशन है उसमें थोड़ी सी गलती है, पकड़ा आपने सही लिया है बट इंटरप्रिटेशन में थोड़ी गलती है। प्रकृत नहीं, ऐसा नहीं, सोचो बेटा उसको सोचो क्या है, मान लो देखो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता एफ एक्स का, ये एग्जैक्ट सही सिद्धांत एकदम, आपने जो स्टेटमेंट, यही स्टेटमेंट मैं एक्सेप्ट कर रहा था, आपका एकदम स्टेटमेंट परफेक्ट आया, एकदम कट टू कट जो चाहिए था वही है। देखो क्या हो रहा है, आप जब इसका ग्राफ बनाओगे, किसका, इसका ग्राफ बनाओगे एफ एक्स का, तो वन जो है वो टू है यार, वन पे आपको जो वैल्यू मिल रही है वो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, सम पॉजिटिव वैल्यू यू आर गेटिंग, भाई साहब टू पे जो वैल्यू मिल रही है वो आपको नेगेटिव मिल रही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन टू। अच्छा इसका ग्राफ पैराबोला बनेगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूं क्या कि वो पैराबोला यार शायद ऐसा बन जाए, यार जैसा भी बने ऐसा बन जाए, या फिर मैं वो बोल सकता हूं कि पैराबोला यार ऐसा नहीं तो ऐसा बन जाए, अगर कॉनकेव डाउनवर्ड बन रहा है ऐसा बन सकता है, कॉनकेव अपवर्ड बन रहा है ऐसा बन सकता है, बन सकता है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, क्योंकि मेरी जो वैल्यू है एफ वन की ये पॉजिटिव वैल्यू, एफ टू की वैल्यू नेगेटिव, कुछ भी वैल्यू डजंट मैटर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं भाई कि एग्जैक्टली वन रूट, इट मींस दैट कि ये वाला ग्राफ हो या ये वाला ग्राफ हो एग्जैक्टली वन रूट लाइस
बिटवीन वन एंड टू. अरे ये समझ में आ रहा है, क्योंकि भाई ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है. भाई पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव जाने के लिए आपको एक बार तो जीरो को क्रॉस करना पड़ेगा. आपका जीरो यहाँ पे करेक्ट, ये जीरो है आपके पास. तो भाई ये पॉजिटिव नेगेटिव में जाने के लिए एक बार तो जीरो को क्रॉस करना पड़ेगा, और जीरो को जहां आपने क्रॉस किया वो आपके पास रूट आ गया, राइट. तो आई कैन कमेंट के एग्जैक्टली वन रूट लाइंग बिटवीन वन एंड टू. आया क्या समझ में? ये एनालिसिस समझ में आई? क्वेश्चन में एप्लीकेशन कैसे आएगा, मैं एक दो क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आपको समझ में आएगा. आपको मतलब बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. अगर आपने इज्जत से क्वाड्रेटिक पढ़ा है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये भी पक्का हो गया ना. आप देखो अगर यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव है तो उसको एक बार नहीं दो बार क्रॉस करना कंपलसरी हो गया. एग्जैक्टली वन रूट लाइन बिटवीन वन एंड टू. और जो दूसरा रूट है वो कहीं भी हो सकता है, उस पर कोई कमेंट नहीं है, बट डेफिनेटली दोनों रूट तो डिस्टिंक्ट है, ये भी कंपलसरी हो गया. तो बस आपने जो पढ़ा है उसको बस एक एक जगह उसको अप्लाई करना है. अगर मैंने आपको बोला कि सपोज एक जी एक्स एक फंक्शन है, अच्छा ये जो मैंने कमेंट किया है ना बेटा, ये क्वाड्रेटिक के लिए, फोर डिग्री ग्रेटर देन टू. इसको बगल में लिख लेना, अभी शायद आपको समझ में आया नहीं आया, मैं अभी नहीं फोकस करूंगा उस पर, मैं बस लिखा दे रहा हूं ताकि बाद में रिवीजन करे तो सामने आ गए. फोर डिग्री ग्रेटर देन टू, अगर क्वाड्रेटिक नहीं है, मान लो डिग्री ग्रेटर देन टू है, मतलब थ्री डिग्री, फोर डिग्री, फाइव डिग्री, सिक्स डिग्री, हंड्रेड डिग्री, इस टाइप की इक्वेशन है, तो फोर डिग्री ग्रेटर देन टू ऑड नंबर ऑफ रूट्स लाई बिटवीन वन एंड टू. ऑड नंबर ऑफ रूट्स मतलब या तो एक रूट, या तो तीन रूट, या तो पांच रूट, या तो सात रूट, या तो नो रूट, जितनी भी डिग्री की इक्वेशन है वो कमेंट कर पाओगे. अभी इसके डिटेल में नहीं घुसूंगा अभी मैं, क्योंकि मेरे को फिर डिग्री थ्री, डिग्री फोर, डिग्री फाइव के बारे में बात करनी पड़ेगी, उनके ग्राफ का आपको एक आइडिया देना पड़ेगा, उतना टाइम नहीं है अभी, उसको बाद में कभी अपन देख लेंगे. बट अभी ये नोट करके रख लो आप कि भाई अगर डिग्री ग्रेटर देन टू है तो ये मत लिख देना कि एक ही रूट लाई कर रहा है, हो सकता है एक से ज्यादा भी रूट लाई करे, बट ये पक्का हो जाएगा कि ऑड नंबर ऑफ रूट्स लाई करेंगे बीच में. दैट ऑड नंबर कैन बी वन, कैन बी थ्री, कैन बी फाइव, कैन बी सेवन, एनीथिंग. ठीक है, तो ओवरऑल आई कैन से दैट के जे ऑफ के वन इंटू जी ऑफ के टू इज लेस देन जीरो. अगर मान लो आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है कि इफ जे ऑफ के वन इंटू जे ऑफ के टू इज लेस देन जीरो, देन एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन के वन एंड के टू. ये सब बहुत अच्छा पार्ट है बेटा. देखो ये इजी लग रहा है अभी आपको, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक पढ़ी, नहीं तो एनालिटिकली ये बहुत अच्छे, मतलब इतने ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनेंगे कि लोगों को हवा नहीं लगेगी. और आप अगर ये चीजें आपको पता है और क्वेश्चन में आप समझ पा रहे हो, तो क्वेश्चन पढ़ पढ़ के आप ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन का जवाब इतने स्मूथली दोगे, आपको मजा आ जाएगा. तो अब आप लोग ये समझ ही गए होंगे ये लेस देन जीरो का मतलब क्या है, कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव डजंट मैटर टू अस. अगर मैं यहाँ पे ये भी लिख देता ना कि भाई ये नेगेटिव ले लो ये पॉजिटिव ले लो, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा एनालिसिस सेम यही का यही आता, रिजल्ट मेरे पास यही आता. बड़ा रूट छोटा रूट डेफिनेटली कॉनकेव अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड होता, बड़ा छोटा रूट होता, बट उसमें मैं नहीं घुस रहा हूँ. अगर मैं इसका जस्ट ऑपोजिट देता, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर नेगेटिव है तो एग्जैक्टली वन रूट इज लाइंग बिटवीन वन एंड टू. वही यहां पे आपने जनरलाइज कर दिया, ये आपकी जनरल थ्योरम हो गई है. अब आपने ये नोट कर ही लिया होगा, एक एग्जांपल देता हूं.
ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, एक्स माइनस ए प्लस कमेंट ऑन रूट्स। ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, आपको रूट्स के बारे में कमेंट करना है कि भाई इसके रूट्स के बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हो, ये रूट्स रियल हैं, इमेजिनरी हैं, डिस्टिंक्ट हैं, इक्वल हैं, क्या है। अब देखो इसमें देखोगे, अब इसमें मैंने ये वाला एक्सप्रेशन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है ना, हम आपको पता ही है कि एनालिसिस के पर्पज से एक्सप्रेशन इक्वेशन इक्वेशन एक्सप्रेशन को आपस में मैनेज करते चलते हैं हम। ये मेरे पास एक्सप्रेशन हो गया भाई साहब, मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ अब एफ ऑफ ए की, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी जरा बताओ मुझे। आप बोलोगे सर ये जीरो हो जाएगा, ये ए माइनस बी आ जाएगा और ये भी जीरो आ जाएगा, मतलब ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी आपके पास। अब मुझे जरा ये बताओ ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी कि नेगेटिव वैल्यू आएगी। अरे ए माइनस बी और ए माइनस सी पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये तो समझ में आ रहा है क्योंकि ए छोटा है बी से भाई, ए छोटा है बी से, तो ए माइनस भी नेगेटिव आएगा ए माइनस सी भी नेगेटिव आएगा, तो मैं ये बोल दूं क्या कि ये तो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। मतलब ओवरऑल मैं ये बोल सकता हूं कि एफ ऑफ ए की जो भी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन जीरो आ रही है। एक्स इक्वल टू ए मैंने पुट करके देख लिया, तो बी पुट करके देखूंगा तो क्या आएगा जरा बताओ मुझे। बी पुट करूंगा तो ये वाला पार्ट जीरो, दिस पार्ट विल बी जीरो, दिस पार्ट विल आल्सो बी जीरो प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अरे यार यहां पे मैंने सी आएगा ना, ये यहां पे मेरे पास कितना आ जाएगा बी माइनस सी बी माइनस ए, मतलब मेरे पास आ जाएगा b माइनस सी। अब देखो यहां पर, अब देखो तो जरा ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा भाई, नेगेटिव, ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, ये समझ में आ रहा है ना पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आ रहे भाई, क्योंकि नंबर जो बड़ा है उसके हिसाब से सब्सट्रैक्शन काम करता है। तो मैं क्या ये बोल दूं ये लेस देन जीरो आएगा, अरे पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन लेस देन जीरो आएगा ना यार, बेसिक बेसिक एनालिसिस, कुछ भारी भारी बात नहीं कर रहा हूँ। ये आ गया, अरे भाई साहब एफ ऑफ सी की वैल्यू भी निकाल लो कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, कितनी आएगी सी माइनस ए सी माइनस बी आएगी प्लस जीरो आएगी, मतलब बोले तो सी माइनस ए। और इसने तो बहुत ही परफेक्ट काम कर दिया कि ये भी पॉजिटिव आएगा ये भी पॉजिटिव आएगा ये ग्रेटर देन जीरो आएगा, तो व्हाट आई कैन कमेंट इज एफ ऑफ सी जो है वो ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो कैन आई कमेंट फाइनली कैन आई कमेंट दिस कि वन रूट इज लाइंग बिटवीन ए एंड बी, वन रूट लाई बिटवीन ए एंड बी,
एंड वन रूट लाए बिटवीन, अरे ये समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कि यार ए और बी के बीच में सर ने कैसे बोल दिया रूट लाई कर रहा है? भाई दोनों की साइन ओपोजिट है, तो ये जो थ्योरम अपन ने पढ़ी थी वही तो काम कर रहा है। ग्राफ एनालिसिस आप कर ही सकते हो, तो बस खत्म हो गया। एक रूट ए और बी के बीच में दूसरा रूट, मतलब आप ये तो कमेंट कर ही सकते हो कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इनफैक्ट अब तो आप ये भी कमेंट कर सकते हो कि किस किस के बीच में लाई कर रहे हैं। तो कभी भी जब आप मैथ्स आगे हायर मैथ्स करते हो ना बेटा, आप जो जेई वेई के लिए मैथ्स करते हो ना, जेई मेन स्टोरी जेई एडवांस के लिए अगर आप मैथ्स करते हो, पर्टिकुलरली ये एनालिसिस बहुत जरूरी, बहुत काम की आती है। अभी कितना अप्लीकेशन है नहीं है, अपने पास टाइम है तो मैंने बताया। आई वॉज इन टू माइंड के मैं बताऊँ नहीं बताऊँ आपको, बट नहीं ठीक है, मैंने सोचा कि आज टाइम है तो मैं बताता हूँ, ये चीज़ें अच्छी हैं एनालिटिकली। हाँ, बोथ रूट्स आर लाइंग बिटवीन ए एंड सी, यू कैन से दैट, दैट ऑल्सो यू कैन से बोथ रूट्स आर लाइंग बिटवीन ए एंड सी एंड रूट आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो देखो ये अब आप खुद समझ सकते हो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऐसे क्वेश्चन के या इस टाइप के हो सकते हैं। ये तो मैंने बस आपको एक एक दो दो एग्जाम्पल बताया है। ठीक है, दो तीन और जो छोटी छोटी सी चीजें बची हुई है वो एक क्लास में और मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो आपको मैंने बुकलेट सॉल्व करने के लिए बोला है बेटा, उसको सॉल्व करते चलो आप। हमारा लेवल वन डिस्कस हो गया, लेवल टू में डिस्कस करूंगा, आपको इन्फॉर्म करता हूं मैं। अभी अब हम लेवल टू भी डिस्कस करेंगे और फिर बुकलेट भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ट्रिगो अभी चालू नहीं करूंगा मैं, एक क्लास और लूंगा थियोरिटिकल पार्ट की, उसके बाद ट्रिगो चालू करूंगा। ट्रिगो की बुकलेट मिल गई है क्या आपको? अच्छा, मैथ्स का मॉड्यूल पूरा मिला है, उसमें कितने कितने चैप्टर मिले हैं? ट्रिगो वन क्वाड्रेटिक मिला होगा, ट्रिगो वन मिला है, और कौन सा चैप्टर मिला है? इक्वेशन से नहीं, इक्वेशन मिला होगा शायद, या ट्रिगो टू मिला होगा, ट्रिगो इक्वेशन, ट्रिगो टू। अच्छा, हम पहला चैप्टर ट्रिगो वन होगा, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तीसरा ट्रिगो टू होगा, राइट? बट ट्रिगो टू के पहले हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रिगो टू विल नॉट बी अवर थर्ड चैप्टर, दैट वुड बी अवर फोर्थ चैप्टर प्रोबेबली। थर्ड चैप्टर हमारा इक्वेशन एंड इन इक्वेशन करके आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा। जैसे आज का लेक्चर आपने देखा होगा, ये इतना मेहनत वाले नहीं, इंटरेस्टिंग है, मतलब सोचना पड़ रहा, मजे आ रहे हैं, इस टाइप का टॉपिक रहेगा, मजे आएंगे। वो तो मैथ्स आप समझोगे तो ही मजे आएंगे, सिर्फ फॉर्मूले पे काम करोगे तो बोर हो जाओगे बेटा। नहीं, डिग्री एंड रेडियन सब पढ़ेंगे बेटा, अपन सब पढ़ेंगे, अपन डिग्री भी डिफाइन करेंगे, अपन रेडियन भी डिफाइन करेंगे, रेडियंस का मतलब क्या होता है, रेडियंस क्यों आया, रेडियंस कैसे आया, उसका उसको क्यों डिफाइन करने की जरूरत पड़ी मैथ्स में, वो सारी चीजें पढ़ेंगे बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वो अपन ट्रिगो वन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय एंड। आपको ये सारे क्वेश्चन के लिए कोई अलग से असाइनमेंट नहीं दूंगा मैं, ये सारे क्वेश्चन जब आप बुकलेट सॉल्व करोगे बेटा आपके सामने आते जाएंगे, उसी टाइम आप उनको एनालिसिस करो। ठीक है, तो कोई अलग से ऐसा कोई असाइनमेंट नहीं दूंगा मैं। ठीक है, चलो बाय बाय एंड टेक केयर बेटा, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। हाँ, मैं लेक्चर की वो TWT टेस्ट की रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा बेटा।